देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से नोट कर लें। क्या पूछा इसमें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान किया गया है, लिखिए। देखो ये तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही है कि एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से पता होगा कि आपकी जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा होगी कक्षा 10वीं की, उसके जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे वो मॉडल पेपर के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और आप सभी को इसको अच्छे से समझ भी लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको आपका एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, इसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है, इसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आपका एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके सही विकल्पों की शुरुआत होती है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। तो देखो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, पुरानी जालोड़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पुरानी जालोड़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ, पुरानी जालोड़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दो या दो से अधिक देशों के साथ में जो व्यापार होता ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का, मुद्रण ईश्वर की दी हुई मानतम देन है किसने कहा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये किसने कहा था, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मार्टिन लूथर ने। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, पाँचवें नंबर का, बेल्जियम की राजधानी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बेल्जियम की राजधानी जो है ना, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा, तो देखो यहाँ से आपको इसका आंसर लिख लेना है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको आपका जो पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सोल्यूशन आपको यहीं से मिलने वाला है। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका मिस नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग देख लें, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिए गए हैं। और उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 2 की शुरुआत होती है, जिसमें से कि आपसे क्या पूछा जाएगा, रिक्त स्थान। तो देखो रिक्त स्थान में क्या लिखना, आपको पहला रिक्त स्थान लिखा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, मुंडा। क्या लिख लेना यहाँ से आपको, मुंडा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन साधन है। तो देखो क्या लिखना है, सबसे सस्ता। क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो यहाँ से आपको सस्ता लिख लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में हुई थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो हुई थी ना, 1929वें वर्ष में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, श्रीलंका में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जो है ना, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के, बौद्ध धर्म के। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं, क्या लिखा है, पाँचवें नंबर का, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, अम्बेडकर। कौन थे,
अंबेडकर उनका नाम था, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन मधुमक्खी पालन में आता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी मधुमक्खी पालन जो होता है ना प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कौन से क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में मधुमक्खी पालन आता है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे प्राथमिक क्षेत्र। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य या फिर असत्य देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये तो बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा ना ये बिल्कुल सत्य होगा, आपको इसे सत्य कर ले। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा, समानता पर आधारित है। उसके बाद में लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह देख लेने हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को भी देख लेंगे। जोड़ी का मिलान कैसे करना है आपको, पहले नंबर पर दे रखा रबर, तो रबर का उत्पादन कहाँ पर होता है, अधिकतर केरल राज्य में किया जाता है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो देखो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी जोड़ी किससे मिलेगी, ये संयुक्त उद्योग का प्रकार है। कृत्रिम पत्तन, तो देखो कृत्रिम पत्तन कौन सा होगा इसमें से, ये आ जाएगा अपना चेन्नई। ओके, उसके बाद में क्रिस्टोफर कोलम्बस, देखो चौथे नंबर पर जो लिखा है ना इसकी जोड़ी आपको डी से मिला लेनी है, इसने अमेरिका की खोज की थी। स्पिनिंग जेनी, तो देखो स्पिनिंग जेनी क्या है, ये कहाँ पे मिलेगी आपकी, तो इसकी पाँचवें नंबर की जोड़ी आपको ई से मिलान कर लेनी है, ऊन का कटाई की मशीन है ये। गोस्वामी तुलसीदास, तो देखो इसने किसकी रचना की थी, रामचरितमानस की। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन कमीशन क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका वैसे तो अभी मैं आपको बोलकर उत्तर बता देता हूँ, संविधान और शासन सुधार की जाँच करने के लिए भेजा गया था ये दल, जो कि साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा लिखा हुआ पूरा का पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उन देशों को कहा जाता है प्राच्य, क्या कहते हैं प्राच्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है, कौन देता है, निर्वाचन आयोग, यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है, राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, शपथ पत्र क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से स्वेच्छा से की गई तथ्यात्मक घोषणा को शपथ पत्र कहते हैं। वैसे मैं आपको इसका लिखा हुआ आंसर उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके बाद में पांचों क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम था रोजा रुइस मक्काली पार्क्स, क्या नाम था इसका मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, रोजा उसके बाद में लुइस उसके बाद में मक्काली, रोजा लुइस मक्काली और उसके बाद में आगे आपको लिखना था फॉक्स, इस तरह से ये इसका नाम था। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा कितने क्षेत्रों में, तो यहाँ से आपको 3 लिख लेना है। तो ऐसे आप सब लोग लिख लें इनको। उसके बाद में देखो पहले मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर है, पहला दूसरा तीसरा सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेंगे और इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पहले इन क्वेश्चंस को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी का आंसर्स उपलब्ध करवाता हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो देखो ये तो हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, अब जल्दी से मैं आपको इन सभी के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये रही आपके आंसर शीट पूरी की पूरी, आप लोग यहाँ से देख लें, ये आपका पूरा का पूरा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया गया है। जो ब्लैक कलर से लिखा है वो इनके प्रश्न हैं और जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं वो इनके आंसर से, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो ये सत्य असत्य वगैरह है, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लेंगे। उसके बाद में देखो ये जोड़ी का मिलान दिया गया है और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा साइमन कमीशन क्या है, तो देखो संविधान और शासन सुधार की जाँच करने के लिए एक दल भेजा गया था जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये था,
भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया था, तो बाकी तो आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लो इस प्रकार से। और उसके बाद में देखो, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से नोट कर लें। क्या पूछा इसमें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान किया गया है, लिखिए। देखो ये इसका पूरा का पूरा आंसर लिखा है, और बिल्कुल आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें अच्छे से, देख सकते हो पूरा आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया ये। उसके बाद में देखो कुछ हिस्सा ये दिया गया आपके आंसर का, और देखो प्यारे विद्यार्थियों इसी के अथवा में आपसे पूछा गया था वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय दिए गए हैं, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ पर कृषि के प्रकार दिए गए हैं, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्य कृषि और रोपण कृषि। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या पूछा इसमें, वाणिज्यिक कृषि की कोई दो प्रमुख विशेषता लिखिए। तो देखो वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषता ये लिखिए, पहली और ये दूसरी, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो देखो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में जल प्रदूषण के प्रमुख कारक लिखिए। तो देखो जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, यहाँ से आप लोग इनको देख लो पूरा और इसको याद भी कर लो अच्छे से। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये कथन किसने कहा था। तो देखिएगा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन जो है ना मेटरनिक ने कहा था, किसने, मेटरनिक ने। उसके बाद में देखो इसका अथवा वाला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। तो देखिएगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसके आंसर को नोट कर लेंगे पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो इसमें क्या लिखा है, रोलेट एक्ट के आप क्या समझते। तो देखो रोलेट एक्ट क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसे देख लेंगे, ये पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 10 का पूरा उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी देख ले आप लोग। देखो क्या क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लें इसको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कॉर्नलोक क्या था, उन्हें क्यों पारित किया गया। तो देखो कॉर्नलोक क्या था, यहाँ से आप सब लोग लिख लेंगे इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, ब्रिटेन में भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए दो कदमों को लिखिए। तो देखो भोजन की मांग, बढ़ती भोजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, पहला कदम ये लिखा, दूसरा ये लिखा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगला क्वेश्चन है 12वें क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो स्पिनिंग जेनी क्या है। तो यहाँ से आप सब लोग स्पिनिंग जेनी को लिख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लें स्पिनिंग जेनी को, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिखकर आ सके अच्छे से। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राजनीतिक दल क्या है लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोग राजनीतिक दल क्या हैं उनके बारे में लिख लें और इनको अच्छे से याद भी कर लें। पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ व इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो ये लिखा है, वेद सरकार किसे कहते हैं। तो देखो वेद सरकार किसे कहते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राजनीतिक समानता क्या है लिखिए। तो देखो राजनीतिक समानता किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्या दिया गया है, विकास का अर्थ क्या है लिखिए। तो देखो विकास का क्या अर्थ होता है, यहाँ से आप सब लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में देखिएगा इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, मानव विकास सूचकांक क्या है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे और समझ लेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है, पूरा का पूरा देख लो आप लोग यहाँ तक का और इसको अच्छे से याद भी कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो देखो द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, इसको यहाँ से आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। 101% जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बोर्ड परीक्षा के पहले ही आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो, ताकि आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं में कोई ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। तो यहाँ से आप लोग मनरेगा के उद्देश्यों को लिख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है,
वैश्वीकरण का अर्थ समझाइए एवं विशेषता लिखिए। तो देखो यहाँ से आपको वैश्वीकरण का अर्थ समझाना है और इसकी विशेषताओं को लिखना है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ ले यहाँ तक का, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये अगला क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता कर रही है लिखिए। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेंगे ए टू जेड, यहाँ तक कि अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर तक बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है लेटराइट मृदा की कोई चार विशेषता लिखिए। तो देखिएगा लेटराइट मृदा की चार विशेषताएं निम्नलिखित है, ऐसे आपको लिख लेना, पहले ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी ये लिखी है, तो इस प्रकार से आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे, और एक विशेषता ये लिखी है। उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था संसाधन नियोजन क्या क्या उद्देश्य है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है प्रथम सोपान है, ये द्वितीय सोपान लिखा है, उसके बाद में तृतीय ये लिखा है, तो ऐसे आप सब लोग लिख लेंगे इसको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वें क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आप सब लोग, परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। तो देखो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, परिवहन के साधन और संचार के साधनों में अंतरों को लिख लेना है, पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा अंतर ये दिया गया है, उसके बाद में देखो तीसरा अंतर ये लिखा है, तीसरे नंबर का अंतर ये लिखा है, चौथे नंबर का ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें यहाँ से, वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से आप लोग वायु परिवहन के महत्व को लिख लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो 20वां क्वेश्चन था ना, 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख सकते हो क्या दिया गया है, विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाए वो कहाँ तक उचित है लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इसके आंसर को भी नोट कर लो। उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, देख सकते हो ये क्या लिखा है, विदेशी व्यापार से क्या से है उदाहरण देकर लिखिए। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, जैसे कि ये लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लो इसको। उसके अथवा में प्यार विद्यार्थी देखिएगा ये 21वां क्वेश्चन है, ये 21वें क्वेश्चन के आंसर को देख लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए समझाकर लिखिए। तो देखो इनको समझाकर आपको लिखना है क्यों शामिल हुए थे ये समुदाय, तो देखो इसका आंसर ये लिखा है पूरा का पूरा, यहाँ तक का देख लें आप लोग, और कुछ हिस्सा ये दिया गया है और बाकी का हिस्सा ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा और इस प्रकार से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है इसके अथवा का, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत को सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे पूरा और नोट कर लें, और उसके बाद में देखो ये 22वां क्वेश्चन दिया गया है, संघ सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची को समझाइए। तो देखो संघ सूची किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो ये आपकी राज्य सूची लिखी है, और उसके बाद में अगला देखते हैं क्या लिखा है, ये समवर्ती सूची लिखी है, तो तीनों को देख लें आप लोग। और उसके अथवा में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको केवल 22 क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध करवाए हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थी 23वां जो क्वेश्चन होता ना इसमें आपसे मानचित्र कार्य पूछे जाएंगे, जो कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने सभी विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपनी कक्षा 10वीं के समस्त 6 विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।